हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में इस वीडियो में देखिए मैं आपको क्विकली बताना चाहता हूं कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मुझे अभी जो फेस हो रही हैं लास्ट वीडियो बनाने के बाद तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं देखिए कुछ लोग के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि गाड़ी में जैसे मुझे भी काफी इश्यूज हो रहा है ऐसे कि गाड़ी झटके मारती है तो इससे बचने के लिए हमें जो मुझे सॉल्यूशन मिला है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ झटके देखिए सारी गाड़ियाँ हो सकता है सीएनजी की मैक्सिमम गाड़ियाँ झटके मारती हैं सीएनजी कंपनी फिटेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो आफ्टर मार्केट सीएनजी हम फिट कराते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ झटके बहुत मारती है गाड़ी क्यों मारती है क्योंकि जो गाड़ी की थ्रोटल बॉडी होती है उसके अंदर डस्ट जो होता है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी वजह से गाड़ी को एयर ठीक से नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वो झटके मारती है उससे बचने के लिए देखिए कुछ भी नहीं है एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं ये मेरे पास ये देखिए एक स्प्रे आता है थ्रोटल बॉडी क्लीनर आप कोई भी मार्केट से कोई भी इसका स्प्रे ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप किसी भी जो आपका जिससे भी आप गाड़ी का काम कराते हैं उसके पास जाइए उसको बोलिए थ्रोटल बॉडी क्लीन कर दें ये आपको हर एक सर्विस जब आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं टेन थाउजेंड किलोमीटर के सर्विस करानी होती है तो जब सर्विस कराते हैं तो ये थ्रोटल बॉडी क्लीन जरूर करवाएं बिकॉज थर्टल बॉडी क्लीन नहीं कराएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आती रहेंगी और ये कुछ नहीं है ये ये हंड्रेड रुपी के आसपास का एक स्प्रे आता है यूज हो जाता है बॉडी को आगे से ओपन किया जाता है और स्प्रे मार के आपकी गाड़ी चकाचक चलेगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये कहाँ लगाया जाता है कहाँ पर ये स्प्रे किया जाता है ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो ये आप देख रहे हैं ये बॉक्स देख रहे हैं इसको यहाँ से खोल करके इसको यहां से और यहाँ पर ये देखिए आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको ओपन करके यहाँ पर स्प्रे मारा जाता है गाड़ी को स्टार्ट करके स्प्रे किया जाता है इसको ये थ्रोटल बॉडी होता है इसको क्लीन किया जाता है इसके क्लीन करने के बाद आपकी सारी डस्ट क्लीन हो जाएगी और नॉर्मल सर्विस में आपको जो कराना होता है जो एयर फिल्टर क्लीन कराना होता है चेंज कराना होता है ऑयल फिल्टर चेंज कराना होता है ये सब तो आपको करना ही है इसके साथ में टोटल बॉडी को क्लीन जरूर कराना है सिर्फ हंड्रेड टू हंड्रेड के आसपास की कॉस्ट आएगी और इससे आपकी गाड़ी एकदम चकाचक चलेगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो दोस्तों अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपकी गाड़ी भी अगर झटके मार रही है तो आप ये एक बार ट्राई करिए इसके बाद अगर आपको फायदा मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इससे आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक like जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू